हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं मंथाटिया। सो आज हम करेंगे एक टीनेज क्लीनअप। फेस को क्लीन करने की, फेस का ध्यान रखने की, अपनी स्किन का ध्यान रखने की जरूरत हर किसी को होती है, चाहे वो टीनेज हो या हम एडल्ट्स हों। एंड एक डिस्क्लेमर, और ये जो मैंने शर्ट पहन रखी है इसका जो प्रिंट है ये बिल्कुल ख़राब हो चुका है। एंड जब भी मैं स्किन में मींस कुछ भी ऐसा करती हूँ, फेस पे लगाती हूँ, कुछ भी लगाती हूँ, हल्के से भी पार्टिकल गिरे ना, तो सबसे गंदी वाली टॉप होती है ना मेरे पास, मैं वही पहनती हूँ। तो ये मेरी सबसे गंदी टॉप है जिसका प्रिंट निकलने वाला है, और जब तक ये बिल्कुल फट नहीं जाती, जब तक मम्मी फेंक नहीं देती कूड़े वालों से, तो मैं नहीं फेंकूँगी। सो एनीवेज, तो मैं आपको क्या बताई थी, हाँ आई वॉज टेलिंग यू कि क्योंकि ये टीनेज क्लीनअप है, तो इसके अंदर हम बहुत ज़्यादा माइल्ड चीज़ें यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे, स्टेप्स वही होते हैं। एक क्लीनिंग क्लेंजिंग होती है, उसके बाद फिर स्क्रब होता है, देन पैक होता है, यही तीन स्टेप्स होते हैं। लेकिन जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो टीनेज के हिसाब से एंड एडल्ट के हिसाब से बिल्कुल वेरी करते हैं। ओके, सो सबसे पहले मैं बात करती हूँ क्लेंजिंग की, तो क्लेंजिंग के लिए मैं यूज़ करूँगी दिस इज़ आयुर हर्बल डीप क्लेंजिंग मिल्क। एंड मैंने अभी फेस पर मेकअप लगा रखा है, तो मैं थोड़ा सा अपने हाथ पे क्लेंजिंग मिल्क डाल के अपने फेस को जेंटली रब करूंगी इस पे, और उसके बाद ये मेकअप सारा का सारा इसको ऑलरेडी वेट कर लिया है। एंड अब मैं ये यूज़ करूँगी एवर यूथ का नेचुरल स्क्रब। ये बहुत ही माइल्ड स्क्रब है, या आप ऑल्टरनेट डेज पे भी यूज़ कर सकते हैं, बट क्योंकि हम ये स्पेसिफिकली क्लीन अप कर रहे हैं, तो ऑल्टरनेट डेज पे हम थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा के स्क्रब नहीं करते हैं। इसके अंदर हम वी विल गिव एटलीस्ट 2 to 3 minutes और इवन 4 minutes फॉर अ गुड स्क्रब। और एक और चीज़ थी जो कि मैं इंक्लूड करना भूल गई थी, दैट इज़ जो हमारा फेशियल इस क्लीनअप में बेसिकली हम जो मसाज करते हैं, मसाज इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड। तो जो हम मसाज करते हैं वो बहुत ज़्यादा देर तक की नहीं होती है, इट्स हार्डली फॉर 3 to 5 minutes, क्योंकि हमें स्किन को सिर्फ हाइड्रेट करना होता है। और ये जो सिर्फ क्लीनअप है, दिस इज़ नॉट अ फेशियल, सो हम हर चीज़ बहुत लंबे टाइम तक नहीं करेंगे, दिस इज ओनली क्लीनअप। विजिबल डिफरेंस, अब जो मैंने स्क्रब किया है तो लिटरली स्किन पहले से बहुत ब्राइटर लग रही है, जितने भी डेड स्किन सेल्स है वो नहीं मीन्स विजिबल लग रहे हैं। इवन जितने भी हल्के से जो नोज़ पे ब्लैक हेड्स होते हैं वो पूरे तो नहीं निकलते हैं, बट बहुत हद तक निकल गए हैं, जो कि कैमरे में शायद आप कैच नहीं कर पाएंगे, और कैमरा खुद ही इनफैक्ट कैच नहीं कर रहा, तो आप कैसे करेंगे लॉल्स। तो लेकिन जब मैंने मिरर में देखा तो मुझे विजिबली डिफरेंस लगा, नोज़ पे तो लगा ही। एंड सबसे पहली बात ये कि जब हम नेक्स्ट हम करेंगे अपने फेस को हाइड्रेट करने के लिए, ये कोई फेशियल नहीं है, मैं फिर से बता दूँ आपको, जिसके अंदर हम एक अच्छे से मसाज करेंगे फेस को, ये सिर्फ फेस को हाइड्रेट करना है, जिसके लिए हम कोई भी अच्छा सा फेशियल क्रीम यूज़ कर सकते हैं। एंड जो भी ड्राई स्किन के हैं, ड्राई स्किन वाले जो हैं वो एक हैवी फेशियल क्रीम यूज़ कर सकते हैं, और जो नॉर्मल एक्ने प्रोन हैं या फिर ऑयली स्किन हैं, कि इवन कॉम्बिनेशन स्किन वाले भी हैं, तो वो यूज़ कर सकते हैं एक नॉर्मल फेशियल क्रीम, जो कि बहुत ज़्यादा हैवी ना हो स्किन पे। Oh.
नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे अरोमा का फेस पैक एंड दिस इज़ अ हर्बल फेस पैक। इसके अंदर आपको फूड्स वगैरह भी लग रहे होंगे, देख रहे होंगे, क्योंकि इसमें जो हर्बल है वो कैच ही नहीं कर रहा है। दिस इज़ रियली बैड थिंग अबाउट माई कैमरा, हेट इट। ओके, सो अब ये जो पैक है ये कुछ इस कंसिस्टेंसी का है एंड दिस इज़ फॉर ऑयल स्किन टाइप्स। सो ये जो है इसके अंदर मैंने जो रोज़ वाटर है वो मिक्स करके इसको बनाया है और ये थोड़ा थिक कंसिस्टेंसी का है। सो अब हम ये अप्लाई करेंगे। Guys, now you can see a difference and I've removed my pack properly and यही था आज का हमारा teenage cleanup and if you really like my content, my video, so do give it a thumbs up, भर भर के comments करना and don't forget to share my video with your friends, so उनकी भी कुछ help हो जाए and मिलते हैं हम अपनी अगली video पे। bye bye।